स्ट्रेट सेंटर लू। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। तू जब तक बैठेगा नहीं मैं दिखाई नहीं दूंगा ना। अरे तेरी हाइट है। हम गाने सुनने का ये अभी आए थे और तारीफ कर रहे थे। अभी 2 महीने पहले आया था हाफ गर्लफ्रेंड के लिए, श्रद्धा के साथ आया था और श्रद्धा गाने की शौकीन और हाफ गर्लफ्रेंड के गाने भी उन्होंने गाए थे। मतलब फिल्म हिट हो जाती है। हाँ करेक्ट, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड करेक्ट हिट हो गई तो अभी, और अभी मॉम भी आई थी वो भी हिट हो गई, तो आई थिंक ये करेक्ट है, चलते रहना चाहिए। कपूरों को आना चाहिए सारे गाना, फैमिली वाला एंगल पूरा जारी रहना चाहिए। नहीं हम गाने गाते हुए पिक्चरों में अच्छे लगते हैं, हम गानों पे नाचते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो गवा मैं गा सकता हूँ। अच्छा मैं गा सकता हूँ, मैं गाऊंगा आज। अच्छा तो देखिए आज हो जा, बोलो कौन सा। नहीं वो शो पे गाएंगे ना। बिना चैन कहाँ रे प्यार, बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार। आपको सोने चांदी वाली बाइट मिली है। सर एक सवाल ये था कि हाँ जी, कि आप लोग ये मूवी आपकी तो उसका म्यूजिक तो सर बहुत शानदार तरीके से हिट हो रहा है। थैंक यू। और ये आप जो इसकी थीम है पूरी वेडिंग के ऊपर है जी, तो लिटिल चैंप्स को आपने प्रमोशन के लिए। नहीं ये मैंने फैमिली हमने जानबूझ के रखा था कि अर्जुन शादी कर ले। अभी यही है, सबसे पहले इसकी शादी होगी। अच्छा कोशिश करते हैं। हाँ 28 जुलाई को मेरी शादी है, आप सब जरूर आइए, आपके नजदीकी सिनेमा घर में शादी होने वाली है मेरी, दो-दो बार, दो-दो लड़कियों से। किसकी लड़की किसकी किसके पास जाएगी वो देखना पड़ेगा आपको 28 जुलाई। और आप सिंगल है या वो सरदार जी आपके साथ वो नहीं आए क्या? कौन? नहीं यार वो बहुत मूडी है, वो मेरे जो दूसरे किरदार है यानी कि चरण सिंह, वो बहुत मूडी है, वो कई कई जगहों पे कभी कभी आते हैं, तो उन्होंने हम दोनों को भेजा हुआ है इस वक्त। क्या हमारी फैमिली फिल्म है तो हम चाहते थे कि ऐसे शो पे आए जो फैमिलीज देखती है, जो फैमिलीज इंजॉय करती है, और अगर बच्चे आपको पसंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली परिवार वालों को जाना पड़ता है। जैसे जैसे ये हमारे घर के जो सबसे छोटे सदस्य यानी कि छोटे से बच्चे हैं, उनका कनेक्शन बन सके बाकी बच्चों के साथ, इसलिए हम इस शो पे आए। सर यहाँ पर आपको कौन से बच्चे के राज चाहिए? यार पिछली बार मैं आया था तो मुझे तो रुला दिया था उन्होंने, इतना अच्छा गाया था, एक दो गाने ऐसे गाए थे, तो दे जेन्यूनली वेरी टैलेंटेड और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। एक्चुअली मैंने उनको वही कहा अभी वैन में निकल रहे थे कि आप जेन्यूनली इन्जॉय करोगे जो गायकी है यहाँ पे, अलग लेवल। अर्जुन ने कहा क्योंकि मैं जब रियलिटी शोज पे जाता हूँ तो बोला कि ये इस बार जब जाओगे ना तो इतने अच्छे अच्छे कि देव आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी हम लोग शोज पे जाते हैं हमको ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब ये शो में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपको देखकर इतना मजा आएगा, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। करेक्ट। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर फिल्म जो हमारी 28 जुलाई को रिलीज हो रही है। Correct. एक पारिवारिक फिल्म है और पूरे परिवार के साथ देते हैं, और क्योंकि अर्जुन एलियाना और अतिया हैं और इनकी सब हरकतें हैं, हंगामा है, कन्फ्यूजन है, तो ये यूथ को भी बहुत पसंद आने वाले और इनके चक्कर में यूथ मुझे भी दिख लेगी। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन जी, प्रेशर किस तरह का पड़ रहा है? नहीं अभी तो बहुत जल्दी है एक्साइटमेंट और प्रेशर के सोचने की, हम इंजॉय ये कर रहे थे। आई विल स्पेंड टाइम विद हिम ऑल द टाइम, बट टू स्पेंड टाइम विद ऑल ऑफ यू ऑल विद हिम टुगेदर, ऐसे मोमेंट्स क्या है जिंदगी भर यादगार रह जाते हैं। आई विल हैव दिस फॉर पोस्टेरिटी एज समबडी हुज ग्रोन अप विद हिम एंड लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम। ये सारे जो बाइट्स है इसकी वैल्यू अनमोल है, ये जो सारे फोटोज आप ले रहे हैं उनकी वैल्यू अनमोल है, बिकॉज ये बहुत कम लोगों को मौका मिलता है एक ही प्रोफेशन में जुड़ना और एक काम करना साथ में। तो आई थिंक फॉर मी एटलीस्ट एट अ पर्सनल लेवल ये जो सारे बाइट्स हैं, ये सारे मोमेंट्स हैं, इनको मैं समेट कर रखना चाहता हूँ। सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन, अभी पसीने पसीने हो गया तेरे चक्कर में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके अभी शो शुरू करते हैं। सर एक लुक ले ले, फोटो तभी ले ले।